ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लाता हूं और साथ ही साथ केवीएस में होने वाले सारे अपडेट लेके आता हूं। अभी तक हमने क्या करा है, क्योंकि कई बच्चे मुझे कमेंट में कह रहे थे कि सर प्रूफ दो, आप नोटिस का प्रूफ क्यों नहीं देते। हालांकि मैंने उनसे कहा कि मेन है ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट है तो सब कुछ है, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रूफ वाला लाया हूं। तो देखो हम कहां तक आ गए थे, अगर आप ढंग से देखो तो हम यहां तक आ गए थे। कौन सा, अब जो नई लिस्ट आई है, पहले तो ये लिस्ट आई है कौन सी, देखो ये पॉइंट नंबर 5, फाइनल डिस्प्लेसमेंट काउंट और ट्रांसफ़र काउंट। अब फाइनल लिस्ट आ चुकी है डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफ़र काउंट की, सभी लोगों की, बाकी जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था उससे क्या होगा, अब आपको पता चल जाएगा कि आपके पॉइंट कितने हैं और कितने नहीं हैं और आपको कहाँ मिल सकता है। अगर आपने फाइनल डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफ़र काउंट की कैलकुलेशन कर ली, इसमें 5 चॉइस भरते हैं और ये कैसे पता करना है कमेंट में लिखोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इससे पता चल जाएगा कि आपका होने वाला है या नहीं, अगर इसमें होने वाला है तो होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने शिफ्ट चेंज वाला मैं आपको बता चुका था पॉइंट नंबर 4, इसके बाद दुर्गम स्थान वाला हमारा हो चुका है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला, 40 से कम वाले, ठीक है ना। ये प्रशासनिक स्थानांतरण मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, मतलब सिस्टम जो केवीएस है वो कर रहा है ट्रांसफ़र, और अगर प्रशासनिक ट्रांसफ़र होता है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सारे बेनिफिट्स का मतलब बहुत कुछ मिलता है, जाने का पैसा, सामान का पैसा, सब कुछ। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में कह दिया एक ही स्थान, जैसे दोस्तों सीखने वाली बात है, एक होता है वर्ड इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटर और इंट्रा, देखो सीखोगे तो कभी याद नहीं करना पड़ता। इंटर वर्ड होता है दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सुना है ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, तो इंटर वर्ड होता है कि यहाँ से दूसरे स्टेट के लिए बस मिलेगा। जैसे कभी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो आप इंग्लिश में कहते हो कि मैं इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इंट्रा का मतलब होता है अपने आप, तो इन्होंने अब क्या कर दिया, इंट्रा स्टेशन, देखो यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है, मैं मार्क करता हूँ, हाँ देखो इंट्रा स्टेशन कर दिया। इंट्रा स्टेशन का मतलब है कि विद इन सेम स्टेशन, मान लो आप लखनऊ के स्टेशन में और आपके इस लखनऊ स्टेशन में 5 स्कूल हैं, जिस स्कूल में आप हो वो आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है और दूसरा स्टेशन जहां आप जाना चाहते हो वो आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है और आपके पास पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, इंट्रा स्टेशन में अप्लाई करोगे और वो वाला स्टेशन सेलेक्ट कर लोगे। और ऐसे बहुत लोगों का है जिनका हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ कि लिस्ट किस तरीके से होती है। तो लिस्ट को अगर देखा जाए तो देखो लिस्ट इस तरीके से होती है बच्चों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो सब कुछ, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, देखो लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग, देखो ये लिखा हुआ है इंटर, ये इंटर स्टेशन करके, और जैसे नाम लिखे हुए, जैसे किसी टीचर का नाम लिखा फ़र्क नहीं पड़ता। PRT की थी वो कहाँ पे थी, लखनऊ AMC में, और अब कहाँ चली गई, लखनऊ गोमती नगर में, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है ये लिस्ट जारी करते हैं। और देखो नीचे क्या क्या लिखा होता है, अगर आप ढंग से देखो तो, देखो नीचे लिखा होता है, देखो समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बस थोड़ा सा देखो क्या लिखा है, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, द इंडिविजुअल कंसर्न, अब इसके बाद लिखा है कि द प्रिंसिपल विद कंसर्न डायरेक्शन रिलीव द एम्प्लॉय इमीडिएटली, मतलब जल्द से जल्द उसको वहाँ से रिलीव करें और फिर वो वहाँ जाके ज्वाइन करे, और 15 दोस्तों, ठीक है ना। और इंट्रा स्टेशन में आपको कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि आप अपनी चॉइस के लिए कर रहे हो। देखो ट्रैवल अलाउंस कब मिलता है, जब या तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में मतलब सिस्टम भेज रहा है इधर से उधर, या फिर आप हार्ड जोन में जा रहे हो तभी आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, बाकी अलाउंस नहीं मिलता। लेकिन अलाउंस का क्या करना है, मानो मैं एग्जांपल लखनऊ का लेके चल रहा था, अगर आप अपने स्टेट में अपने घर के पास जा रहे हो तो आपका कितना खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो ये सोचने वाली बात है, बस इशू बनाने का खेल है। तो ऐसे क्या करना है आपको, सारे के सारे लिस्ट आते जा रहे हैं और बस अब एक ही लिस्ट बची है दोस्तों, और वो लिस्ट क्या बची है, वो लिस्ट बची है कौन सी, इंटर स्टेट वाली, जो दूसरे स्टेट में। और जैसे ही ये लिस्ट पूरी होगी, और सबसे पहले मैं ही बताऊंगा, और हो सकता है कोई और भी बताए, लेकिन जैसे ही हलचल होगी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। लेकिन मेरा आपसे यही सजेशन है कि अब आप तैयारी स्टार्ट कर दे, चाहे कहीं से भी करें, ठीक है ना, अपने आप करें, कुछ करें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये मिथ है, झूठ है, कि कोई कोचिंग सेंटर ही आपको तैयारी करा सकता है। हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो उसके लिए करा सकता है, हो सकता है 4 सब्जेक्ट में से 5 वीक हो, 5 के लिए करा सकता है, वो बस कंटेंट प्रोवाइड करेगा, बाकी खेल आपका ये है कि आप कितनी मेहनत करते हो। लेकिन अब तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर दो, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है और इसको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बार मैं आप तक नोटिफाई करके नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए सब्सक्रिप्शन के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिलेगा। थैंक यू।